especially two international organizations and today I would like to discuss about World Health Organization, which is established or the form 7th of April 1948. Really, this is also most important special agency of United Nations. That is why it is also necessary to know about it. Really, this organization is running in whole world level and look properly to all those people who are affected by any type of disease. This institution or the agency is fully responsible to look and provide more facility to those concerning persons in the world. That is why its role is also most important. अर्थात यह ही एक ऐसा स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएनओ का जो संपूर्ण विश्व के स्तर पर तमाम प्रकार की बीमारियों से प्रभावित जिन जिन राष्ट्रों में खास करके ऐसी क्रिटिकल डिजीज से जनता प्रभावित है उन सबके उपचार के लिए उन सबके स्वास्थ्य के लिए यह संस्था 1948 ईस्वी से आज तक विधिवत रूप से कार्य करती रही है। यानी जितने भी तमाम सदस्य राष्ट्र हैं, उनमें जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, डिजीज से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, उसके निराकरण के लिए निरंतर यह प्रयत्नशील है। इसीलिए इसका महत्व भी आज के समय में बहुत ज्यादा हो गया है। ये आप कल्पना कर सकते हैं कि वर्ल्ड के प्रत्येक देश में जो मेंबर कंट्री है, सुदूर से सुदूर देहात में भी इसके वर्कर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कार्य कर रहे हैं। एक बार की बात है, ये बात है, ये डिप्थीरियल पैरालिसिस के बारे में। डिप्थीरिया एक प्रकार की बीमारी थी जो पहले गरीब देशों में खास करके देखने को ये बीमारी मिलती थी। भारत से ये बीमारी दूर हो चुकी है, किंतु साल में कहीं कहीं एकाध उदाहरण देखने को मिलता है। यह संस्थान का कार्य है कि ऐसी डिजीज यदि कहीं पर उभर कर सामने आता है तो तुरंत उसका
चाहिए तो एक ऐसे बच्ची इस प्रकार की डिप्थीरियल पैरालिसिस से प्रभावित हुई समस्तीपुर जिला में सुदूर आपके रोसड़ा के ग्रामीण एरिया में। संयोग ऐसा हुआ कि पटना वगैरह में भी जांच हुई और वहां से जब घर लौट के वो पेशेंट आती हैं तो ये WHO का जो वर्कर यहां काम कर रहा है वो ढूंढते हुए पता लगाते हुए इस सुदूर रोसड़ा के ग्रामीण इलाका में पहुंच गए उस पेशेंट तक। उस पेशेंट के बारे में जानकारी लेने के लिए क्या स्थिति है, कहां से उपचार हो रहा है, उसको क्या मेडिसिन दिया जा रहा है, मतलब इससे पता चलता है कि वास्तव में WHO संपूर्ण विश्व में जो सदस्य राष्ट्र है इसके लिए उससे के स्वास्थ्य के लिए निरंतर काम यह एजेंसी कर रही है। इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा में, और इसके जो प्रशासनिक बड़े अधिकारी होते हैं वो समय समय पर बदलते रहते हैं। अभी एडम घेबेयास अभी इनके डायरेक्टर हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यूनिसेफ, यूनेस्को और आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दीज एजेंसीज आर वर्किंग प्रॉपरली इन डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, नो डाउट। सिमिलरली सम अदर स्पेशल एजेंसीज आर ऑल्सो वर्किंग इन द वर्ल्ड, लाइक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फोर्स पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन, यानी और भी कई एजेंसियां कार्यरत हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विश्व के स्तर पर की जो ये संस्था है यूनाइटेड नेशन, उन विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से विश्व को इन तमाम प्रकार की सुविधाओं के माध्यम से उन्हें एक सूत्र में बांधकर विश्व की जनता के कल्याण के लिए यह संस्था कार्य कर रही है। किंतु प्रश्न उठता है, क्योंकि हम लोग के जो टॉपिक हमारा है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, समकालीन विश्व में लोकतंत्र, तो ये जो इतनी बड़ी संस्था है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इसमें सही मायने में लोकतंत्री शासन प्रणाली कायम है? अब यहां पर जब इतनी हम प्रशंसा कर चुके हैं जिसमें खूबियां रहती हैं तो खामियां भी देखने को मिलती है। वास्तव में अभी यदि निष्कर्ष के रूप में एक वाक्य में कहा जाए तो इतना कह देना ही पर्याप्त होगा, कतई नहीं इस ऑर्गेनाइजेशन में लोकतंत्र कायम नहीं है।
उसके पीछे कुछ है जो महत्वपूर्ण तर्क है, उसको हम गिना सकते हैं। वैसे तो बड़ा लंबा टॉपिक है, किंतु अब आप लोगों को हम बहुत आगे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि आगे भी अब नए चैप्टर में प्रवेश करना है। तो हम चाहेंगे कि आज ही थोड़ा सा बिल्कुल सांकेतिक रूप में स्पष्ट करते हुए इस टॉपिक को इतिश्री करें। तो इसमें सर्वप्रथम जो यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली है, जो विश्व की तमाम राष्ट्रों जो सदस्य राष्ट्र हैं उसके लिए नियम कानून बनाने का कार्य करते, एक प्रकार से मानिए कि संसद के रूप में कार्य इसके द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें जब दो देशों के बीच किसी भी प्रकार का विवादित मुद्दा आता है ना, तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये हार्ड स्टेप नहीं ले पाता है, करेक्ट डिसीजन लेने में असक्षम अपने को महसूस करता है। उसका कई कारण है। आप इतना ही जाने कि विवादित मुद्दे पर सही निर्णय लेने की स्थिति में ये महासभा होती नहीं है, तो फिर लोकतंत्र की कैसे परिकल्पना की जा सकती है। आप जब सेकेंड पॉइंट में प्रवेश करेंगे तो देखेंगे सिक्योरिटी काउंसिल में यहां तो हर की दादागिरी है, 15 मेंबर है इसके सिक्योरिटी काउंसिल के, परमानेंट मेंबर 5 और 10, नॉन परमानेंट मेंबर जो 2 वर्ष के लिए होते हैं। इन दोनों के बीच में क्या स्थिति है, इन दोनों ही नहीं संपूर्ण विश्व की बात मैं करता हूं कि एक तरफ 192 राष्ट्र किसी विचार पर निर्णय लेने के लिए तैयार हो गया है, यदि 3-5 जो राष्ट्र है इसमें से कोई भी राष्ट्र यदि विरोध कर दिया तो किसी सूरत पर पारित नहीं होगा, तो फिर लोकतंत्र रहा कहां, मेजोरिटी की बात हुई कहां। तो कटु आलोचना यहां पर देखने को मिलती है। बात भी सच्ची है, और यानी इन 5ों में से वीटो का अधिकार है, विरोध करने का, निषेध करने का, जिसके माध्यम से लोकतंत्र यहां धाराशायी हो जाता है। इसलिए यहां पर लोकतंत्र प्रमाणित हो जाता है कि लोकतंत्र वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन में वास्तव में कायम नहीं है। क्योंकि आपका प्रश्न क्या है कि आर द डिसीजंस डेमोक्रेटिक, नो, व्हाई, बिकॉज दीज आर द कॉजेज अगेंस्ट दिस टॉप और द मेन पॉइंट। तो इसमें क्या होता है कि आपने देखा, हम पहले भी जब सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में मैंने चर्चा की है तो उसमें बताया है, फिर वीटो का अधिकार है, सही निर्णय लिया गया है, बिल्कुल आइडियल है, भारत को परमानेंट मेंबर बनने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु ये दोगरा राष्ट्र जो है ये आ जाता है, तुरंत खड़ा हो जाता है, भारत कुछ भी बोले कि वह सूर्य का उदय पूरब में होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है, यदि भारत ने कहा है तो सबसे पहले नहीं कहेगा, नहीं, क्योंकि भारत कहा है इसलिए गलत है। तो इस प्रकार से यह दुर्भावना से ग्रसित दूषित मानसिकता का चाइना
एक विरोध कर देता है तो फिर प्रपोजल वो खारिज हो जाता है, तो लोकतंत्र है कहां। फिर आप चौथे स्टेज में आएंगे कि आईएमएफ दुनिया का जितना भी राष्ट्र है वो कुछ ना कुछ शेयर, क्योंकि जितना मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर खर्च आता है वर्ल्ड के लिए, तो कहां से आएगा, तो जितने मेंबर कंट्री है उसमें से अपना अपना कुछ योगदान करता है, शेयर करता है। तो सात ऐसे देश है जो 50% से ज्यादा, लगभग 50% शेयर सात ही देश का है। अब बाकी जो 193 में सात, मान लीजिए कि 186 देश जो है वो मिला करके 50% शेयर करता है। अब सात ही देश ऐसा है जो 50% कर देता है। इसीलिए मतदान के क्रम में, ऋण देने के क्रम में या अन्य इस प्रकार की फाइनेंशियल मैटर में, वो सात जिसमें तो पांच ये महानुभव है, एक और उसमें जापान भी आ जाता है और सऊदी अरब भी आ जाता है, तो यहां पर भी सही निर्णय लेने में परेशानी होती है, तो यहां लोकतंत्र की स्थिति नहीं बन पाती है। फिर आप देखिए वर्ल्ड बैंक की भी बात, कमोबेश यही स्थिति है। तो वहां क्या होता है कि यहां भी उसी प्रकार की बात है, सेम है स्थिति। और हद तो तब है, इसका चेयरपर्सन जो होगा विश्व बैंक के जो अध्यक्ष होंगे वो अमेरिकी ही होंगे। क्यों भाई? क्योंकि ऐसा नियम बन गया है, बना हुआ है कि अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर के संस्तुति पर ही कोई अध्यक्ष विश्व बैंक का हो सकता है। तो ऑटोमेटिकली नेचुरली वो क्या होगा, तो अमेरिका का वो जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो चाहेगा ही तो मनोनीयन हम अपने अमेरिकी मूल का ही का एक किन्हीं को। तो यहां भी लोकतंत्र ध्वस्त हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इतने बड़े प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन में लोकतंत्र सही मायने में कार्य नहीं कर रहा। यही कारण है कि आज दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों के द्वारा एक इतने बड़े प्रेस्टीजियस यूनाइटेड नेशन को प्रभावी बनाने के लिए वर्ल्ड लेवल पर लगभग ये पांच छह राष्ट्र को छोड़कर तमाम राष्ट्रों के द्वारा आवाज उठाई जा रही है कि नहीं, इनके नियमों में कुछ संशोधन की आवश्यकता है, बदलाव करने की आवश्यकता है। आज आवाज उठने लगी है मैक्सिमम कंट्रीज के द्वारा कि इसको और अधिक लोकतंत्र बनाया जाए, लोकतांत्रिक बनाया जाए। तो निष्कर्ष के रूप में यही है। तो इस तरह से शेष, अब मैं समझता हूं कि इसमें बहुत ऐसी कोई बात नहीं रह गई है, किंतु आज भी लोकतंत्र का ये यूनाइटेड नेशन का इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड लेवल पर, जो अप्रत्यक्ष रूप से विश्व सरकार के रूप में इसको हम लोग मान लेते हैं, किंतु प्रभावी बनाने की आवश्यकता है और अधिक, इसीलिए इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है और मांग भी की जा रही है दुनिया के कंट्री के द्वारा। अब जो है इस तरह से इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं, प्रमाण स्पष्ट कर सकते हैं। और आज इसी टॉपिक का, यानी कि फर्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फिफ्थ को आप सोल्व कराएंगे, ये होमवर्क है। ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।